हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईवी टेक्निकल क्लासेस। हैप्पी न्यू ईयर 2023 टू ऑल ऑफ यू। आई एम चंदन कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ आईवी टेक्निकल क्लासेस। इस नए वर्ष में आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है और अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप छोटे छोटे स्टेप उठा सकते हैं, छोटा छोटा रूटीन बना सकते हैं, उस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करते करते उस चीज़ को एक छोटा सा गोल को अचीव करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि आप अपना रूटीन बनाते हैं, कोई चीज़ का लक्ष्य सेट करते हैं कि मुझे यह सब्जेक्ट इतने दिन में ख़त्म कर देना है, उसके लिए आप रूटीन बनाते हैं। तो उस रूटीन में क्या होता है कि जैसे आप अभी डेली 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ रहे थे, आपने रूटीन बनाया कि मुझे अब कल से 8 घंटे 9 घंटे पढ़ने हैं, तो उसके बाद में क्या होता है कि आप नेक्स्ट डे कोशिश करते हैं तो 8 घंटे ना पढ़ करके 6 घंटे 7 घंटे पढ़ते हैं, 8 घंटा ना हो पाता है। फिर नेक्स्ट डे ट्राई करते हैं, फिर और ज़्यादा कोशिश करते हैं, उसके बाद भी आप 5-6 घंटे ही पढ़ पाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि आप सोचते हैं कि मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ उसके बाद भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं। फिर 1-2 महीना गुजर जाता है, फिर किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो फिर से आप जागते हैं कि नहीं अब फिर से हमें पढ़ना है। आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आप एक टारगेट बनाते हैं, न्यू टारगेट बनाते हैं कि नहीं अब मुझे 8 घंटा पढ़ना है, अभी अब तक 2 घंटे आप पढ़ रहे थे, तो जब आपका 6 घंटा ही पूरा हो रहा है तो आप इसको पॉजिटिव वे में भी लीजिए कि मैं 2 घंटे पढ़ रहा था, अब 6 घंटे पढ़ रहा हूँ। आप वहीं पर रुक मत जाइए कि नहीं इतना ही ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि आगे बढ़ें। लेकिन आप ये सोच करके डीमोटिवेट मत हो कि मैंने जितना सेट किया था उतना नहीं कर पाया। जितना सेट करते हैं उतना मैक्सिमम लोगों से नहीं हो पाता है। बस जो सफल लोग होते हैं या जो आगे बढ़ जाते हैं वो क्या करते हैं कि उस प्रयास में लगातार लगे रहते हैं, कि जैसे 6 घंटा हुआ तब वो फिर से प्रयास करते हैं कि नहीं इसको हमको 6:30 पर ले जाना है, 7 पर ले जाना है, 8 पर ले जाना है, और उस चीज़ में वो कंटिन्यू रहते हैं तो वो इस चीज़ को कर जाते हैं। मतलब छोटा छोटा लक्ष्य बनाने का ये मतलब भी होता है कि अभी आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि हम 3 घंटा पढ़ें, 3.5 घंटा पढ़ें, 4 घंटा पढ़ें। इस तरह से आप 2 घंटा से 8 घंटा तक जाने के लिए 1 दिन 2 दिन या 1 सप्ताह ना लेकर के आप 1 महीना समय ले सकते हैं, तो ये प्रोसेस ज़्यादा स्मूथ होगा।